तो दर्शकों, एक बार फिर से जुड़ रहे हैं आपके साथ एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, वास्तु एंड एस्ट्रो कंसल्टेंट। और आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बहुत ही रहस्यमय ग्रह। अगर हम बात करें, आज दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, मगर इसके रहस्य जो है आज भी अनछुए अनदेखे हैं। और क्या ऐसे कुछ रहस्य हैं जो एस्ट्रोलॉजी में भी चंद्रमा के हैं, जो हमारी जो जीवन पर किसी तरह से प्रभाव डालते हैं, हावी हो जाते हैं, और इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर योगेश शर्मा जी। धन्यवाद कविशा। देखिए, चंद्रमा जो है ये एक बड़ा रहस्यमय प्लेनेट है जी। सबसे पहली बात है, चंद्रमा आपके जीवन में कंट्रोल किन चीजों को करता जी है? और जब मैं ये चीजें बताऊंगा ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जी। क्यों? क्योंकि ये जीवन में तन को, मन को और धन को, तन मन धन तीनों को कंट्रोल करता है। चंद्रमा सही नहीं होंगे तो जीवन में धन की कमी हो जाएगी जी। मन एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाएगा जी। ये लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं जी। और फिर तन पे हिट लगती है, बीमारियां घर से नहीं जाती हैं, खर्चे दवाइयों पे होते चले जाते जी जी जी। तो अगर इंसान चाहता है स्वस्थ रहे, धनी रहे और मन प्रसन्न रहे, सुखी रहे, तो उसको अपने चंद्रमा को देखना होगा और उसकी गड़बड़ों को सही करना होगा जी जी जी। चंद्रमा खराब होने की निशानियां क्या है? सबसे पहले तो ये इंसान रिएक्टिव हो जाता है, बात बात पे चिढ़ना शुरू, बात बात पे रिएक्ट करना शुरू, जल्दी माइंड कर लेना, ये चंद्रमा के खराब होने की निशानी है। इंसान के पास लिक्विड कैश की कमी हो जाती है जी। इंसान को आता तो दिखता है लेकिन हाथ में नहीं आता है जी, टिकता नहीं, टिकता नहीं है जी, बरकत खत्म हो जाती है जी। चंद्रमा खराब होंगे तो इंसान ओवरथिंकिंग करता है, एक अनजाने आने वाले समय का भय उसको सताता है, छोटी से छोटी चीज में इंसान पैनिक कर जाता है जी जी जी। ये चीजें, और चंद्रमा खराब होते हैं ना तो इंसान के शरीर में इवन ब्लड इन्फेक्शन या अलग अलग तरह की इम्यूनिटी की कमी की वजह से आने वाली दिक्कतें बहुत हावी हो जाती जी जी जी। सो जिस तरह से कहा जाता है चंद्रमा के उतार चढ़ाव से भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। खराब चंद्रमा वाले लोग जो है ना, ये पूर्णिमा और अमावस इन दिनों पे बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं जी। सपने इनको उल्टे सीधे आते हैं और उसकी वजह से इनका दिन भी जो है वो खराब बीतता है जी। अब चंद्रमा खराब है तो इसको सही कैसे किया जाए? खराब चंद्रमा वालों को अपनी बेड साइड पे पानी का गिलास रखना चाहिए जी। सवेरे उसको पौधों को दे देना चाहिए जी। खराब चंद्रमा वाले लोगों को भगवान शिव की एक चंद्रशेखर शिव वाली फोटो, यानी जिसमें भगवान शिव के माथे या बैक साइड में चंद्रमा विराजमान है जी, उस तस्वीर को घर के उत्तर पश्चिम कोना, वायु कोण या जिसको नॉर्थ वेस्ट कोना बोला जाता जी, है जी, जी। उस कोने में लगा देनी चाहिए जी। खराब चंद्रमा वाले लोगों को क्या चाहिए? घर में हमेशा खूब सारे चावल स्टोर करके रखें, 10-12-15 किलो चावल इनके घर में हमेशा रहने चाहिए, उसी में से यूज करते हैं जी जी जी। यही पूछना चाहती थी, कई बार लोग चावल रख तो लेते हैं, बाद में उसमें कीड़ा लग जाता है, नहीं उनको यूज करते रहें जी जी जी। और चंद्रमा की लास्ट आपको बहुत बढ़िया उपाय देता हूँ कि करेंसी को हमेशा स्टोर करके नहीं रखना है जी। करेंसी का मतलब है करंट, यानी कि सदा चलायमान चीज, चलने वाली जी, जी जी जी। तो करेंसी को बैंक में रखिए जी, उसको किसी एसेट का रूप दे दीजिए जी। लेकिन कितने सारे ढेरों ढेर नोट जो हैं वो घर में छिपा के या स्टोर करके मत रखिए, ये चंद्रमा को खराब करता है जी, और उससे धन की बरकत में कमी आनी शुरू हो जाती है जी जी जी। सो एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से चंद्रमा की धातु मानी जाती है चांदी, चांदी पहनने से भी चंद्र ठीक होता है? नहीं, ये बड़ा सिलेक्टिव है, ये बर्थ चार्ट के अनुसार होता है। कई लोगों को चांदी पहनना मना होता है, इसलिए मैं उपाय यहाँ पे आपको वही दूंगा जो जेनेरिक है और हमेशा आपके लिए पॉजिटिवली काम करते हैं जी। सो चंद्र खराब है तो चांदी पहनने से ठीक नहीं होने वाले हैं। जिस तरह से जेनेरिक उपाय बताए गए हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी की तरफ से, उन्हें करेंगे तो कहीं ना कहीं फायदेमंद होंगे वो उपाय। और अपनी मर्जी से कुछ भी ना कीजिए, ये हर एक व्यक्ति पर लागू होने वाले उपाय जो बताए जा रहे हैं उन्हें कीजिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। और अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा लग रहा है कि आपका चंद्र खराब है तो चंद्र को ठीक कर लीजिए और बने पंजाब केसरी पर, देखते रहें पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन।